नहीं बैठ ना, क्यों गिरेगी? अरे तू बैठ, ट्राई नहीं टी लग रही हूँ। कैच हो गया, कैली आ गई है, दिवाली की हो गई है सफाइयां स्टार्ट, और अभी आपको और भी मजेदार चीज दिखाते हैं। ये चंदन अटक गया है, मैं खड़ो के क्या वीडियो बनानी है, इस एंगल से बनाऊ? अच्छा ये एंगल बता रहे, कह रहे इस एंगल से बनाओ, यहाँ से बताऊ? ये देखो भाई, अरे तो नीचे स्टूल रख लेना प्रीति, फोन कैसे छोड़ू? फोन छूटेगा तो स्टूल कैसे बनेगा? अब चंदन आएगा भाई, रॉड मत तोड़ दियो। और एक और चीज बताते हैं, और अपने घर में ना एक नई चीज भी हो रही है अभी, वो भी बताने वाले हैं। चल निकाल, अब हंस रहा है, रॉड भी निकाल दी, भाभी कह रही रॉड धोएगी। शीशा तोड़ दिया देख चंदन तूने, कौन सा शीशा? ये इधर वाला, पहले से टूटा पड़ा है, पहले कहां से टूटा पड़ा है? यहाँ पे भी आज खाली खाली लग रहा है, और यहाँ पे भी खाली खाली हो गया है। तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए ब्लॉग के साथ हो चुकी है, और आज पूरे घर पे आप देख रहे होंगे सारा कुछ खाली खाली है, और सफाइयां चल रही हैं। चंदन सुबह से कर रहा था, तो अभी प्रीति भी रेडी हो रही है, और आपको बताते हैं कि ये खाली खाली क्यों है। आज अपने घर पे जो इतनी कुर्सियां हैं ना, वो सारी बन रही है, रेनोवेशन का काम मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो स्टार्ट करवा दिया हमने, तो स्पंच आ गई है, कपड़ा आ गया है, और कुर्सियों की मरम्मत चालू हो चुकी है। तो ये अपनी कुर्सियां बननी चालू हो गई हैं। कब तक बन जाएगी भैया जी? पाँच छः बज जाएंगे। तो ये जो कहते हैं ना इम्पोर्टेड चीज़ मंगाओ तो क्या होता है, इम्पोर्टेड चीज़ मंगाओ तो उसके नीचे पैसा पूरा लेते हैं, और उसके नीचे प्लाई की जगह ये लगा दिया था MDF। उससे क्या हुआ कि प्रीति ने जब इसको धोया तो सारी की सारी बैठ गई, MDF भुर गई, और अभी ये इस पर हमने लगवा दी है प्लाई, प्रॉपर प्लाई लगवा के बढ़िया से परफेक्ट काम करा रहे हैं। शाम तो रेडी हो जाएगी, शाम को बताएंगे आपको कैसी है। तो किसी को कुर्सियाँ बनाने हो ना, इन भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना, इनका फ़ोन नंबर या नीचे आ रहा होगा स्क्रीन पर। गाड़ी में चार्जर, मेरा फ़ोन चार्ज होगा तो भाई मैं क्या करूँ, 20 बहुत होता है। अम्मा मैं आ रही अभी। हाँ उसको समझ आ गई? आ रही है तो आ जाती है। समझ आ गया? समझ गया। हाँ समझ गया। चल बार कुर्सियों का कपड़ा निकल चुका है, चल भाई चल चल। तो मैं प्रीति और थार, हम तीनों जा रहे हैं, बार कुर्सियों का काम हो रहा है। पहले प्रीति को कुछ काम है 14 सेक्टर की मार्केट में, वहां जाना है, उसके बाद उसको काम है 23 सेक्टर, फिर इनको छोड़ के मुझे जाना है दिल्ली, और मेरे को आज दिल्ली जाना शाम को 7:30 बजे, मुझे शाम का ही काम है। तो तब तक सुबह हम घर पे तैयार होके हमने कहा आपके साथ गप्पे शप्पे मारने, और अभी हम चलते हैं कुर्सियों की पोजीशन देखते हैं कि कुर्सियां कहाँ पहुँच गई। अभी तक तो 2 कुर्सियां तैयार हुई हैं, अभी भी पूरी पूरी नहीं, कच्ची कच्ची हुई है, जब तक हम वापस आएंगे हो सकता है एक आधी तैयार हो जाए। तो भाई ये खड़ी है अपनी थार, चलें जल्दी से, चलें भाई। ये फ्रेम रखा है मैंने, इसमें पापा की फोटो लगवानी है। तो भाई प्रीति भी आ गई, और अब हम लोग निकल रहे हैं, जैसे बताया था पहले 14 सेक्टर फिर 23 सेक्टर, ठीक है? तो 14 सेक्टर जाने के लिए तो फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से चलते हैं ना। आप रात को डिनर नहीं करोगे घर पर? यार मेरे को ना शाम को 7:30 बजे किसी से मिलना है, अगर उसके साथ फिर मुझे डिनर करना पड़ा तो फिर मेरा डिनर होगा रोजियट में, तो फिर मैं रोजियट में डिनर करूंगा। तो फिर मैं उस हिसाब से नहीं, तो फिर मैं मटर पनीर बनाऊंगा। भाई मेरी गारंटी नहीं है, मेरी हो भी सकता है डिनर घर पे, और हो सकता है ना हो, क्योंकि कोई मतलब खास यार आ रहा है मेरा, और वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट भी है, तो हो सकता है उसी के साथ ही खाऊंगा। फिर मैं अब रोजियट बैठूंगा तो मैं भी वापिस ना हो, मटर पनीर बना लियो, अगर मैं टाइम से आ गया तो खा लूंगा, नहीं आया तो नहीं खाऊंगा, डिपेंडेंट है, कल बना लूंगी ना। ठीक है, ये देख रहे हो ये स्टिकर जो लगा है, ये बहुत दिन से लगा हुआ है, और मैं रोज सोचता हूँ इसको हटाऊंगा हटाऊंगा हटाऊंगा, पर मैं भूल जाता हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैं थोड़ी देर पहले ना एक रील देख रहा था, तो उस रील पे क्या दिखाया है कि ऐसे स्टिकर जो निशान छोड़ जाते हैं हटते नहीं, आप कुश्ती भी लड़ लो तब भी नहीं हटते, तो इसमें क्या करना चाहिए, बाम होती है ना जो सिर पे लगाते हैं, वो बाम को इस पे मल दो अच्छे से, और फिर इसको पहुंच दो, पूरा स्टिकर हट जाता है। तो ट्राई करके देखेंगे, अगर ये चीज हुई तो भैया हमने एक्सपेरिमेंट करा, ओके हुआ तो आप भी करना, अगर कहीं पे ऐसा स्टिकर लगा हो तो अच्छी चीज है, रीले देखते रहना चाहिए, हमें भी इसी से कहते हैं ना वो दिमाग मिलता है आजकल, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हो, तो आपको भी करनी चाहिए। हम भी रील बनाते हैं, हम कॉमेडी बनाते हैं, किसी को हंसना हो तो हमारी रीलें देखा करो, अगर ना हंसना हो तो ऐसी नॉलेज वाली रीलें देखा करो, पर देखा जरूर करो। ये देखो हमारे को रोक दिया गया है, क्यों रोका गया पता है? बता।
मारुति की शिफ्ट चेंज हो रही है, ये मारुति की फैक्ट्री है ये दी। तो ये शिफ्ट चेंज हो रही है, पुरानी शिफ्ट के लोग निकले हैं, नई शिफ्ट के लोग आ रहे हैं। तो जी लो हम पहुंच गए हैं 14 सेक्टर के फ्लाईओवर में, और ये जो सरिये देख रहे हो ना जो निकले हुए हैं, इस चीज की कहते हैं ना वो प्रशंसा, हिंदी में प्रशंसा करनी चाहिए कि पहली बार हमारी सरकार ने कोई अच्छा काम किया। अच्छा काम इन द सेंस, जब ये पुल बन रहा था तो साथ साथ इन्होंने ये सरिये डाल दिए थे। अदरवाइज क्या होता है इंडिया के अंदर, अपने रोड बनती है, आज बनी कल वो खुदाई करने वाले आ जाएंगे, कभी टेलीफोन की केबल डालते हैं, कभी कोई केबल डालते हैं, कभी कुछ करते हैं तो रोड तोड़ देते हैं। तो ये पुल जब बना था तो उसके साथ साथ इन्होंने ये सरिये खड़े कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रैपिड रेल जो बन रही है, वो जो अभी सराय काले खां से मेरठ तक बनी है, वो यहाँ पे आनी है, मेरठ टू बेरोड का रूट है, तो वो रेल यहाँ आनी है। तो उसके लिए इन्होंने जब पुल बना था तो सरिये पहले लगा दिए थे कि कल को भैया तोड़फोड़ ना करनी पड़े। तो पहली बार इन्होंने दिमाग लगा के कुछ कॉन्सेप्ट सोच के काम किया है। तो जहाँ प्रशंसा करनी चाहिए वहां करते हैं, जहाँ नहीं करनी चाहिए वहां नहीं करते, क्योंकि गुड़गांव के MCG की तो बिल्कुल ही जितनी बेइज्जती की जाए ना उतनी है, क्योंकि जो अपने यहाँ पे जो नए अफसर आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बट वो बिल्कुल ही बेकार काम कर रहे हैं। जगह जगह में कूड़ा है, मार्केटों में कूड़ा है, कहीं सफाई नहीं हो रही। बस वो तो कहते हैं ना सफाई नहीं हो रही, नोट छपाई हो रही है, तो वो करने पे लगे हुए हैं। और इतना गंद मचा हुआ है मार्केट में, इतना गंद मचा हुआ है क्या ही बताएं आप। अभी दिखाते हैं एक बारी कि पहले 14 सेक्टर दिखाते हैं कितना गंद मचा हुआ है, फिर 23 सेक्टर में भी दिखाएंगे कितना गंद मचा हुआ है, कूड़ा फेंक ही जा रहे हैं। हम मार्केट के बाहर पहुंचे और जगह जगह कूड़ा देखो, ये देखो एक पॉइंट, ऐसे कई पॉइंट है भैया कूड़े से भरे पड़े, ये देखो ये मतलब पूरी मार्केट में ही कूड़ा कूड़ा हुआ है। तो ये अपन एंटर कर गए हैं मार्केट के अंदर, और अब आप देखना कैसे कूड़ा लगा, ये देखो ये और ये यहाँ पे रोड्स पे देखो, ये देखो ऐसे लग रहे हैं कूड़ा मार्केट में आ गए हैं अपन। कुछ तो शर्म कर लो MCG वालों, कुछ काम कर लो। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो पूरी मार्केट में यही हाल है। देखो ऐसे लग रहा है कूड़े के पहाड़ पे आ गए। ये देखो क्यों है इतना कूड़ा। इस करके कि जो हमारे कहते हैं ना बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो काम करके राजी नहीं है। जब वो राजी नहीं है तो नीचे वाला स्टाफ क्यों करेगा, कोई काम नहीं करेगा भाई। सजेस्ट करता हूँ मैं इसका नाम जो है सेक्टर 14 की मार्केट या सेक्टर 23 की मार्केट की जगह कूड़ा मार्केट रख दिया जाए। ये देखो सजेशन है भाई, अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कर लेना। और ये मैडम जी ने क्या किया पूछो, बता दे खुद ही बता दे या मैं बता दूं। मार्केटिंग खुली हुई 14 सेक्टर में ले आई है, 2:30 बज गए हैं, 2:30 भी क्या पौने 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे ले आई है, और क्या हुआ यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं, कोई नहीं। मतलब जो शॉप इसने जिस शॉप पे जाना था वो खुली नहीं, वो कहते हैं शाम को 5 बजे से लेके 11 बजे तक खुलती है। अब बताओ क्या ही करें, अब सीधा घर जाने की तैयारी है। नहीं 23 सेक्टर। अच्छा अभी 23 सेक्टर भी जाना है, मतलब वहाँ पे भी दिखानी है मार्केट। सामान लेना ना यार, मेरे को लगा मुझे लगा वहाँ मार्केट दिखानी है, वहाँ पे भी कूड़े वाली मार्केट दिखानी है। दिखा दूँ पक्का। और तो हमारा सिंह चिकन कॉर्नर दलेर पाजी को फोन नहीं किया यार, उनकी बेटी का बर्थडे था तो हम लोग भूल गए, 26 को उनकी बेटी का बर्थडे था, तो हमारी तरफ से उनकी बेटी को जन्मदिवस की लख लख बधाइयाँ। और वो 1 साल की हो गई है, और हमें हम दोनों इतने बेशरम हैं कि हम उसको 1 साल में मिलने भी नहीं जा पाए, तो हम उसको स्पेशली विश करते हैं, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। लो जी लो अब हम आ गए हैं 23 सेक्टर, और यहाँ पे भी मस्त कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। मतलब मन ना ख़राब होता है, इतनी साफ मार्केट थी उसको देख के। वो सामने देखो पहला ढेर तो वो सामने लगा है। तो प्रीति जा रही है, वो अपना काम करके आती है, और हम बैठे हैं गाड़ी में, जल्दी जल्दी आएगी, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। मैडम जी कह के गई थी 5 मिनट में आ रही हूँ, और आई है 15-20 मिनट के बाद। तेरा फोन क्यों नहीं मिलता, ऑफ हो चुका है। तो चार्जिंग क्यों नहीं करती घर पे पूरा दिन, या सारा दिन रीले देखनी होती है। तो रात में पार्ट चलता है, साथ साथ चार्जिंग भी होती है। तो अभी प्रभनूर का फोन आया है, कह रही है पापा की बड़ी तेज भूख लगी है, मम्मी को बोलो घर पे आ जाए, और आते हुए छोले कुलचे पैक करा के लेके आए। तो अपन पहले अब छोले कुलचे पैक कराएंगे और फिर घर जाएंगे। तो भाई कुलचे छोले का ऑर्डर दे दिया भैया को। आपको लग रहा होगा गाड़ी टेढ़ी खड़ी है, एक्चुअली वजन ज्यादा हो गया ना, गाड़ी थोड़ी झुक गई है। झुकी नहीं खड़ी बता, ऐसे कैमरा है, देख बाहर से दिखाऊं जाके, एक्चुअली क्या हुआ हमने पटरी पे खड़ी कर दी है। देखो तो ये चीज पहले बोल दूं तो पब्लिक को मजा कैसे आएगा।
थोड़ा सा फन, हंसी भी तो चाहिए, तुमको मजा, हंसी हंसी भी तो चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में जब हसीन पल और हसीन ना हो ना, जिंदगी वीरान है। आपको खड़ा करो ना वेट मशीन में, तुम्हारा ही ज्यादा आएगा, मेरा फिर कम आएगा। चल आज यार शर्त हो गई, अब तुम्हारी शर्त के लिए मैं खड़ी होने वाली हूं। देख लिया, नहीं खड़ी होंगी पर अभी नहीं। तो भैया को बोल दिया बटर लगा के पैक कर दो फटाफट, अब तीन की जगह चार बोल दूं। हाँ मैं उतर के जाने वाला था भैया, चार प्लेट कर देना, चार प्लेट। तू क्यों उतर के जा रही है भाई, तू टाइम खराब करेगी, बच्चों को वहां भूख लग रही है। ये देखना भी उतरेगी कैसे, दरवाजा देखना पहले कैसे खुलेगा। ओ ओ भाई, ओ देखा मैंने पहले ही बोला था। देखते ये गई, तो भाई प्रीति उतर गई है फाइनली और अब ये सामान लेके आ रही है। अब प्रीति जल्दी, बच्चों को भूख लग रही है, बातें कम और काम जल्दी। इनको 10 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा तो तुझे भी तो 16 साल हो गए। मैंने तो इनको अब देखा ना, हमेशा पैक करा के ले जाती यहीं से है। यहीं से तो अब कराने शुरू करे है भाई। पहले कहाँ से कराती थी? पिछले 8 साल से थोड़ा करा रहे थे, 8-9 साल से। चल जल्दी आ, बैठ। अरे बैठ ना, अरे बैठ, अरे कुछ नहीं बैठ ना। क्यों गिरेगी? अरे तू बैठ, ट्राई नहीं टी। अरे कुछ नहीं हो रहा, भाग गई भाई भाग गई, मैं नहीं बैठ रही। तो अभी चलो इसको गाड़ी में उतारता हूँ और इसको बिठाता हूँ। क्या हो गया था? अरे नहीं बैठ सकती थी। क्यों भाई? स्लिप हो जाती। तू स्लिप होती तो रोड में खड्डा हो जाता। अच्छा चलो यार, तमीज नहीं बात करनी। इसमें तमीज क्या करेगी भाई? ये लो अपने पैसे, दे दे रहा हूं तुम्हें। ओके 500 का लेती है, 10 रुपए वापस करती है। पैसा नहीं रखती मैं फालतू, पति का तो मैं छोड़ती नहीं। तो अपन पहुंच चुके हैं घर की तरह और भैया ने कहा था कि 5:30 तक कुर्सियां रेडी हो जाएंगी सारी की सारी। तो अब 4:45 का टाइम हो गया, जाके देखते हैं कि कितनी कुर्सी रेडी हुई है। एक तो हो ही गई होगी, बस लुक देखने की कैसी हुई है। ये गार्ड भैया पागल हो गए आज हमारे यहाँ के, गाड़ियों को रोक ही नहीं रहे हैं। जल्दी चलते हैं अंदर, चल के पहले कुर्सी देखते हैं कैसी लग रही है, लुक देखते हैं। कपड़ा तो हमने फोन पे सिलेक्ट कर लिया था और अभी जाके पता लगेगा कि कैसी बनी है। जल्दी आ जा भाई जल्दी, इसको पता लग जाता है हम आ गए या कालू को, ये घूमता हुआ आ जाता है। आ गया, अब ये मारेगा यहाँ पे लेट के सलाम। इसका बैठ का स्टाइल देखना, अभी ये कान पकड़ेगा कैसे, ये पकड़े, ये इसका परमानेंट स्टाइल है। कीरत भी घर पे आ चुका है, बच्चा ये आ रहा है, ये कुत्ते से डर रहा है, तुम निकलवा दो उस बच्चे को। भाई कीरत, हाँ भाई, स्कूल में क्या किया फिर आज? आपने वो बनाया क्या? बोला क्या आंटी, कैसे हो? कुर्सियां बन रही है, सही है भाई। हेलोवीन बनाया, हेलोवीन हेलोवीन आ गया ना, भैया अभी तो स्पंज लगी है, अभी कहाँ बनी? कल लगेगा आपका दिन, कुर्सी तो बनी जाएगी, वो बैक सेट ही रह जाएगी। कुर्सी बन जाएगी आज? लगता तो नहीं, बन जाएगी। चलो हाँ भाई, नाम से बात करो बाद में। भाई ये देखो, तुम्हें आके मिलती नहीं है, मैं कहती हूँ मैम से बात कर रही हूँ। चलो हम चलते हैं बाहर, चल भाई चल बाहर। लो आ गए कुलचे छोले। हाँ भाई आज चलेंगे कुलचे छोले। हाँ ओ सेठ जी बोल तो लो, कह रहे मन नहीं है। तो भाई रेनोवेशन वर्क पूरा जोरों पे चल रहा है। ये प्रनूर लाइए कुछ, क्या बनाया भाई? ये इतना टेस्टी था ना कि वो बचा ही नहीं है, इसका लाज बचा है। ये किसने बनाया? तूने बनाया है सलाद? ओ भाई मिसुआस मतलब हेलो, फ्रेंच में कहते हैं जो समझ में आया, फ्रेंच में क्या बोला इसको हिंदी करके बता। मैंने बागेट में क्या सलाद होता है, सलाद होता फ्रेंच में, सलाद होता सलाद, सलाद मिसुआ। जे लगा दो तो क्या बनेगा? कहां पे जे लगाना? इसके आगे सलाद के एस के आगे जे लगा दो तो ऊपर अली मामा को भी टेस्ट करो। जलाद, जसलाद नहीं, ऐसे हटाना पड़ेगा ना जलाद। चलो आप खाओ, खा के जो ये जल्लाद बनाई है ना इसने, एक नंबर है। जल्लाद थोड़ी ना बनाई है। हाँ। क्या बनाएगी? सलाद, सलाद। मीसवास, मीसवास। एक बार और बना दे, रात को और बनाएगी। हाँ।
हाँ खिला दियो मजेदार है। बहुत सवाल लगी है इसमें, एक चीज की कमी है। कौन? नहीं काली मिर्च, मैं काली मिर्च थोड़ी तेज खाता हूँ, तो तेज डाल के एक शाम को बनाइए। बना देगी पहले? अगर मैं शाम को घर पे आऊंगा तो खा लूँ। अच्छा बना है क्या? मैंने तो खाया ही। इसमें खीरा ऐड हुआ है, खीरा हो रही थी। स्वाद है। तो इनकी होगी लड़ाइयाँ चालू। भाई बस करो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? कीरा और प्रभु ना कर बेटा। हमारे यहाँ की थानेदारनी वो बैठ गई है वहां पे, ऐसे देख रही है जैसे कुर्सियां वही बना रही हो। थोड़ा देखते हैं इसको। हाँ तू तो ऐसे पूछ रही जैसे देखो वो समझ आ मुझे। मैं बेड की बैक करवाने की। अच्छा कह रहे हैं आजकल क्विल्टिंग चल रही है, पूरी वो लगेगी क्विल्टिंग पलाई के साथ। ये कुर्सी में बैठ के देख रही सही है? दबी दुबी तो नहीं? पक्का बेटा? उसमें मत चढ़ो बाबू। ओए 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 टूट जाएगी। पुराना तो तोड़ दो। पुराना नहीं है, यही लगना है। तो ये किस लिए? ये उसके ऊपर लगेगा। टेक्निकली कुर्सियां न्यू बन रही है। हाँ टेक्निकली ये नहीं, प्रैक्टिकली। तो भैया ने रेडी कर दी है भैया एक पूरी, ये देखो कैसे लगी। आधी कुर्सी रेडी हो गई है, मतलब बैक पैक। अभी नीचे का पार्ट रेडी हो गया। कह रहा है कंटेंट मिस कर दिया आपने। क्या कंटेंट? चाची कह रही इसकी ग्लू मेरी चप्पल में लग सकती है। चप्पल? हाँ लग सकती है, उस दिन लगाई तो थी। ग्लू नहीं, वही जो लोशन होता है। हाँ हाँ तो हील चप्पल में वही लगाई तो थी तेरी उसी दिन, जो मॉल से निकले थे वही लगाई थी। ये भैया तिरछी नजर से ऊपर देख रहे हैं, कल अपनी फोटो देखेंगे ना तभी हंस रहे हैं। हाँ तू क्या कर रहा है? रात को शादी में जाएगा? नहीं मुझे लगा तू जाएगा, डैडी कह रहे हैं। नहीं नहीं मुझे तो पता भी नहीं किसकी शादी। तू ये स्पंज की चप्पल बनवा ले, भैया ने सिलाई मशीन लगाई हुई है। कोई कपड़े अल्टर वाल्टर कराने वो भी करा ले। हेलो ये अम्मा को अल्टर करा दे अंदर घूमती हुई। अम्मा को अल्टर करा दे। और तू बंगाली में? हम पता है कैसे बात करते हैं, हमने फोन में डाउनलोड करा हुआ है, हम हिंदी बोलते हैं बंगाली समझाते हैं। तो ये कुर्सी मस्त लग गई है। भैया कह रहे हैं दोबारा धो लियो, पाइप पड़ी हुई है धोले। इसको साफ करने की जरूरत क्या है? गंदी क्यों होगी ये? हाँ कलर ये गंदा कैसे होगा? ये इनकी नाइटी का कलर और तेरी कुर्सी का कलर सेम है ना? चाची की ड्रेस का ज्यादा मैचिंग आपके पास सही लग रही है भाई। अभी फाइनल होएगी तो और अच्छी लगेगी। अरे तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन मिल रहे थे, उनके पास कैसे होंगे? वो बनाते हैं। पीछे डो लगाई हो प्रीति, ये लग रही हो कैच हो गया। क्या करता भाई, रिकॉर्ड भी हो गया तेरा सीन। ने कर लिया ओला बाइक बुक और अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ से सीपी एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। वहाँ से गाड़ी पे जाएंगे जो फ्रेंड आया उसके साथ डिनर करने के लिए रोजियट एरोसिटी, और एरोसिटी से आएंगे वापस घर पे और फुल ऑन एंजॉय। तो चलते हैं, शाम के बज चुके हैं 6:45। चल भाई बाय बाय। ओके और ये कुर्सियाँ बना रही है ठेकेदार नहीं बैठ के, अपनी ओला राइड चल रही है। ये अपना द्वारका एक्सप्रेस है, ये जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे भी जाम नहीं लगेगा। वो भाई मिट्टी उड़ा रहा है यार, धीरे धीरे चल। मेट्रो स्टेशन आ चुका है, भैया ने खूब तेज गाड़ी चलाई है और हमने छोड़ दिया। भागते आ गए सब मेट्रो चेंज करने के लिए, सब भाग रहे हैं मेट्रो छूट जाएगी इनको बहुत जल्दी है भाई साहब को। ये मैडम गोभी अपनी मेट्रो आ चुकी है।
हसदे सी जेड़े हुण मुहा तो अड़ाए पया रंगनी माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यार भी। तो भाई रात के बज गए 11 और हम पहुंच चुके हैं घर पे और घर का हाल देखो ये क्या हुआ सेटियों का हाल और ये अपनी कुर्सियां कुछ आधी पुधी रेडी हुई है। भैया ने कहा था कि ये पूरी रेडी हो जाएंगी पर उम्मीद नहीं थी ना, मैंने पहले बोला था नहीं होंगी, तो हम कल फिर आएंगे कुर्सियां रेडी करेंगे अपने बेड की बैक रेडी करेंगे और यहाँ पर्दे उतर गए, चादर लगी हुई है और चादर लगाने के पीछे चादर के पीछे यहाँ एक ये भूत छुपा हुआ है, भूत को पड़ेगा थप्पड़ भाई कहाँ गया ये हो गया कि दिल्ली गया मेट्रो पे गया मेट्रो से बाहर निकला उसके बाद का कोई सफर हमें बताया नहीं, उसके बाद का सफर ये था यार कुछ बता नहीं सकता था, किसी के साथ था तो हम लोगों ने मेरिडियन होटल में खाना खाया जिसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे आपने देख भी ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना भाई 24 घंटे तो चलती है अभी तो आ ही रही होगी। बस वहाँ खाना खाया गप्पे शप्पे करी और कुछ काम की बातें करी, बात करने के बाद बस फ्री हुए और वापस हम लोग घर पे आ गए, वो मुझे ड्रॉप कर गए घर पे तो मैं घर पे आ गया, अब सोने की तैयारी, थकावट इतनी है क्या ही बताएं। और प्रीति पता नहीं कहाँ गई हुई है, गाड़ी लेके अभी आएगी है रात को 11 बजे 14 सेक्टर क्यों भाई भाई सूट कपड़े लेने गई है, भाई की तो देखते हैं। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोटी खाई है क्यों वो कहा जेठालाल, जेठालाल भाग गई हमें देख के तो ओ भाई रुक जा, डैडी और अगम गए हैं मैरिज पे, डैडी और अगम एक मैरिज पे गए हैं, वो आएंगे तो पता नहीं कितने बजे तक आएंगे और अभी अपना हो रहा है थकावट इतनी हो रही है सोने का टाइम। टिल देन आप एंजॉय करो इस व्लॉग को, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, अच्छा लगे तो बताना कैसा है, नहीं अच्छा लगे तब भी बताना कैसा है, बताना जरूर, आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ ना तो बड़ा खुशी होती है मुझे और मेरे से ज़्यादा खुशी होती है प्रीति को। पहले ड्राइंग रूम में लॉक चेक कर ले और अपना सोने का टाइम है, आप भी सो जाओ। टिल देन बाय 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 बाय, शब्बा खैर शुभ रात्रि, टेक केयर, अलविदा, सत श्री अकाल, कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। Till then, tata, bye-bye, bye-bye.